हेलो एवरीवन आप देख रहे हैं एग्री सक्सेस पॉइंट जयपुर आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं और उनके एक्सप्लेनेशन भी तो उससे होगा क्या कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आप सुन रहे हैं नियति जैन को सो लेट्स बिगिन फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन गोल्डन राइस वेराइटी हैज़ बिन डेवलप टू कॉम्बेट द डेफिशंसी ऑफ इसका आंसर इसका आंसर है विटामिन ए विटामिन ए से गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है ठीक है कुछ अदर पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा मिल्क राइस होता है वो प्रो विटामिन ए से फ्री होता है लेकिन जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए होता है विटामिन ए की डिफिशेंसी से कौन सी डिजीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोपथेलिमिया ठीक है इंगो पॉट्रिकस और बिया ने सक्सेसफुली राइस का ट्रांसफॉर्मेशन किया और उससे जो भी राइस प्लांट्स थे उसमें बीटा कैरोटीन सिंथेसिस करने लगे ठीक है अब बीटा कैरोटीन क्या है तो विटामिन ए का प्रीकर्सर फंड किसने ये दिया था रॉकफेलर फाउंडेशन ने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने और सिंजेंटा कंपनी ने टू जीन इंट्रोड्यूस करवाए थे ठीक है सबसे पहला फायोटिन सिंथेटिस साइज़ीन बोलते हैं इसको लिया था डेफोडिल्स से और सेकेंड जीन लिया था सॉइल बैक्टीरिया से इरविना यूरिडिवोरा लाइकोपिन साइक्लेस इन दोनों को राइस में डाला तो उससे राइस का जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गोल्डन राइस क्या होता है और प्रो विटामिन ए होता है तो उसकी वजह से येलो ऑरेंज कलर हो जाता है राइस का इसलिए उसको गोल्डन राइस बोलते हैं चलिए आप देख लेते हैं कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता क्या है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एजेटिव आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है तीन लाइन होती है ए बी और आर लाइन स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये लाइंस होती क्या है सबसे पहले ए लाइन है ये क्या होती है ये होती है मेल स्टेराइल लाइन मेल स्टेराइल का क्या मतलब हो गया जिसके ग्रेन्स निकाल दिए हों तो हम उसको एज अ फीमेल पेरेंट यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में दूसरी लाइन होती है बी लाइन क्या बोलते हैं इसको मेंटेनर लाइन ये क्या करती है ये ए लाइन को मेंटेन करके रखती है बी लाइन को एज अ मेल पेरेंट लेते हैं hybridization में, ठीक है? पीछे क्वेश्चन क्या पूछा था कि मेंटेनर लाइन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं तो सीधा सा आंसर है उसका सेल्फिंग से ठीक है अब जो ए लाइन होती है वो होती है होमोजा रिसेसिव लाइन इसका क्या मतलब होता है जिसके दोनों एल रिसेसिव होते हैं और इसी के कारण वो क्या हो जाती है स्टेराइल हो जाती है नेक्स्ट बी लाइन ठीक है ये हो जाएगी होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब जिसके दोनों जीन डोमिनेंट हो अब ए क्रॉस बी करवाते हैं इससे हमको क्या मिलेगा कैपिटल एस और स्मॉल एस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए फिर इसकी सेल्फिंग करेंगे अब आपको वन इज टू वन रेशियो में मेल फर्टाइल और स्टेराइल प्लांट मिलेंगे ठीक है हमको फर्टाइल प्लांट से कोई काम नहीं होता है तो उसको निकाल देते हैं बचा क्या फिर से होमोजाइगस रिसेसिव स्टेराइड लाइन इसका फिर क्रॉस करवाते हैं रिस्टोरा लाइन से उससे हाइब्रिड सीड बन जाता है अब रिस्टोरा लाइन क्या होती है रिस्टोरा लाइन वो होती है जिसमें फर्टिलिटी रिस्टोर जीनों ठीक है और आर लाइन को जैस भी वैसे ही मेंटेन करते हैं जैसे कि बी लाइन को सेल्फिंग करके उसको प्रोड्यूस करते हैं आई होप अब आपको पूरा क्लियर समझ आ गया होगा कि ए बी और आर लाइन क्या होती है और इससे हाइब्रिड सीट कैसे बनाते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द ड्राफिंग जीन इन राइस वेराइटीज वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना ताइवान फिलीपींस इंडिया सही आंसर है ताइवान ताइवान में फर्स्ट ड्राफ्ट वेराइटी राइस इंट्रोड्यूस हुई थी क्या नाम था वेराइटी का टी एन वन इंडिया में 1964 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था कौन सा जीन है नाम डी जी वू जीन फर्स्ट हाईडिंग ड्राफ वेराइटी थी आई आर एट जो आई आर ईरी ने डेवलप करी थी 1966 में अब आई आर एट कैसे बनी थी डी जी वू जीन क्रॉस पेटा ये इसी सीक्वेंस में याद रखना पेटा क्रॉस डी जी वू जीन गलत होता है और इसको क्या बोलते हैं मिराकल राइस बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अब द फॉलोइंग राइस वेराइटीज इज सब मर्जेंस टॉलरेंस इसका सीधा सा आंसर याद रखना है आपको स्वर्णा सब वन नेक्स्ट क्वेश्चन राइस वेराइटी विच इज बैक्टीरियल ब्लास्ट रेजिस्टेंट कौन सी वेराइटी है इम्प्रूव्ड सांबा मसूरी अब इसमें बैक्टीरियल ब्लास्ट रेजिस्टेंट जीन होते हैं कौन कौन से होते हैं एक् ट्वेंटी वन एक्से थर्टीन एक्से फाइव ये जीन्स के नाम एज इट इज पूछते हैं एग्जाम में तो ये याद रखना सबसे पहला जी आई टैग प्रोडक्ट इंडिया में कौन सा है दार्जिलिंग टी मैसूर सिल्क नवारा राइस या कंगरा टी तो इसका सही आंसर है दार्जिलिंग टी टू थाउजेंड फोर में इसको फर्स्ट जी आई टैग मिला था ये आपने का right के क्वेश्चंस पढ़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ठीक है होता क्या है कि पढ़ने के लिए इतना सारा मैटर होता है ना कि हमारे पास में आई वाला पार्ट छोड़ देते हैं लेकिन मैं आपको बता एक बात बताती हूँ हर एग्ज़ाम में चाहे नेट हो एस आर एफ हो जे आर एफ हो ठीक है तो आई पी आर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो चलो देख लेते हैं कि जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है ठीक है ये एक साइन होता है है ना, जो किसी भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक लोकेशन बताता है ठीक है या ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये भी बताता है ठीक है ये जोग्राफिकल इंडिकेशन ये भी बताता है कि प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल गुड से है नेचुरल गुड से है या मैन्युफैक्चर गुड से ओके अभी रिसेंट में ये जीआई टैग आपने सुना होगा कहाँ पे सुना था मध्य प्रदेश में और जो मध्य प्रदेश के सीएम थे है ना और उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि जो एमपी में चावल होता है बासमती चावल ठीक है उसको जीआई टैग दे दो ठीक है तो इसका अपोज किसने किया था पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने है ना क्यों किया क्योंकि वो उनका मानना था कि जो बासमती राइस है वो ऊपर हिमालय की तरफ ओरिजिनेट हुआ है तो मध्य प्रदेश को जीआई आई टैग नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे मतलब मध्य प्रदेश भी एक्सपोर्ट कर पाएगा शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा रिटर्न में पंजाब के सीएम ने भी कहा कि मध्य प्रदेश को जीआई आई टैग नहीं मिलना चाहिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट ऑप्शन हैं मुंबई चेन्नई कोलकाता या दिल्ली तो करेक्ट आंसर है इसका चेन्नई ठीक है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रेडिशनल नॉलेज कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट राइट कॉपी राइट स्यू राइट या geographical indications तो इसका सही आंसर है सी जेनेरिस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी चेयरमैन ठीक है ऑप्शंस है डॉक्टर आर सी अग्रवाल डॉक्टर के वी प्रभु डॉक्टर पी एल गौतम तो इसका सही आंसर है डॉक्टर के वी प्रभु मतलब 2020 के पीपीवी और एफआर की चेयरमैन कौन है के वी प्रभु अब पीपीवी और एफआर से एक क्वेश्चन और आता है कि ये अथॉरिटी लोकेटेड कहाँ है ठीक है तो ये अथॉरिटी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसका फुल फॉर्म क्या है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट ठीक है इसका जो एक्ट है पी पी वी एन एफ आर एक्ट वो आया था 2001 में ठीक है ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चलो अब देख लेते हैं कि पेटेंट और कॉपी होता क्या है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट की तो पेटेंट क्या होता है ये इन्वेंटर को राइट दिया जाता है ठीक है मतलब कि अपन कुछ नया इन्वेंशन किया हो और अगर आपने उसका पेटेंट करवा लिया हो ठीक है तो आपकी बिना परमिशन के कोई दूसरा आपको कॉपी नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकता और बेच नहीं सकता ठीक है अगर उसने ऐसा किया तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हो है ना? पेटेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है राइट right? और पेटेंट जो होता है वो क्या होता है ट्रांसफरेबल होता है ठीक है आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हो ठीक है अब देखते हैं कॉपीराइट क्या होता है ठीक है तो कॉपीराइट भी एक टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कॉपीराइट कोई भी आर्टिस्टिक वर्ड के लिए दिया जाता है जैसे कि बुक ड्रामेटिक म्यूजिकल दूसरे आर्टिस्टिक वर्ड कॉपीराइट का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है तो कॉपीराइट का ड्यूरेशन लाइफ टाइम होता है मतलब जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक उसकी वर्क पे उसका कॉपीराइट रहेगा ठीक है नेक्स्ट लिखा है इसमें सू जेनेरिसिस राइट मतलब सू जेनेरिसिसिस का मतलब है खुद का सिस्टम अ सिस्टम ऑफ ओन वो सिस्टम जो खुद चलाते हो तो ट्रेडिशनल नॉलेज तो था तो खुद का सिस्टम है कोई कॉपी पेस्ट कहीं से कुछ नहीं है इसलिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कहीं में आता है सी जेनेरिस सिस्टम में तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर इलेवन नागा प्रपोज्ड यू ट्राइंगल ऑफ ब्रेसिका इन विच ईयर 1935, 45, 30 या 32 तो इसका सही आंसर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रोमोजम नंबर ऑफ ब्रेसिका कैरिनेटा ऑप्शन है थर्टी फोर थर्टी सिक्स थर्टी टू थर्टी एट तो इसका सही आंसर है थर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेसिका जुनशिया इज अ क्रॉस बिटवीन ब्रेसिका निगरा क्रॉस ब्रेसिका ओलरेसी ब्रेसिका ओलरेसी क्रॉस ब्रेसिका कंपेस्टेरिस ब्रेसिका निगरा क्रॉस ब्रेसिका रेपा ठीक है तो इसका सही आंसर है ब्रेसिका ओलेरेसी क्रॉस ब्रेसिका कंपेस्टेरिस ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेसिका ओलेरेसी क्रॉस ब्रेसिका रेपा रिजल्ट इन ठीक है फर्स्ट ऑप्शन ब्रेसिका जुन्शिया सेकेंड ऑप्शन ब्रेसिका नेपल्स थर्ड ऑप्शन ब्रेसिका कैरिनेटा तो इसका सही आंसर है ब्रेसिका जुनशिया नेक्स्ट क्वेश्चन अनादर नेम ऑफ ब्रेसिका रैपा ठीक है तो इसका नाम है ब्रेसिका रैपा को ब्रेसिका कंपेस्टरिज भी बोलते हैं तो ब्रेसिका रैपा और ब्रेसिका कंपेस्टरिज दोनों सेम चीजें होती हैं तो आपसे क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में पूछा जा सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ प्रेसिका कैरिनेटा ऑप्शन है ए ए बी बी सेकेंड ऑप्शन बी बी सी सी थर्ड ए ए सी सी तो करेक्ट क्या ऑप्शन क्या होगा बी बी सी सी ठीक है ऑप्शन नंबर सेकेंड अब इस ट्राइंगल से ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है तो हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल ट्राइंगल होता क्या है ठीक है तो नागा ने 1935 में यू ट्राइंगल दिया था ये क्या बताता है ये बनाता है जेनेटिक रिलेशनशिप किसमें बिटवीन द सिक्स कल्टीवेटेड ब्रेसिका स्पीशीज़ ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कि छः कल्टीवेटेड ब्रेसिका की स्पीशीज़ है इन सबके बीच में जेनेटिक रिलेशन बताता है ठीक है ब्रेसिका निगरा ब्रेसिका ओलरेसी और ब्रेसिका रेपा ये जो तीनों हैं वो क्या हो जाएंगी डिप्लॉइड स्पीशीज ठीक है बाकी जो स्पीशीज है वो इनके क्रॉस से बनी हुई है ब्रेसिका निगरा को ओलरेसी से क्रॉस किया तो क्या बना ब्रेसिका कैरियटा फिर ब्रेसिका निगरा को ब्रेसिका रेपा से क्रॉस किया तो क्या बना ब्रेसिका जुन्शिया और ब्रेसिका और को ब्रेसिका रेपस से क्रॉस किया तो क्या ऑप्टेंट हुआ ब्रेसिका नेपस आपको जनरली क्रोमोसोमल नंबर भी पूछ लेते हैं ठीक है तो आपको तीन डिप्लॉयड स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर याद होना चाहिए क्या एट नाइन और टेन किस किस का है ब्रेसिका निगरा का आठ है ब्रेसिका ओलोरेसी का नौ है और ब्रेसिका रेपिस का दस है तो अगर ये पूछते हैं कि ब्रेसिका जुनशिया का क्रोमोसोम नंबर क्या है तो क्या करना है आपको एट प्लस टेन कितना ऑप्टेंड हुआ एटीन तो ये क्या हो जाएगी एन वैल्यू हो जाएगी उसकी अब आपको पता ही होगा कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है एन का डबल ठीक है तो उसका आपको कर देना है डबल तो क्या हो जाएगा ब्रेसिका जुनशिया का क्रोमोजम नंबर थर्टी सिक्स यहाँ डायग्राम में एन लिखा है तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना क्रोमोसोम नंबर हमेशा टू एन होता है अब चलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो उसका भी ऐसा ही कंसेप्ट है कि जो स्पीशीज का पूछे उसको ऐड कर देना है ना जैसे कि ब्रेसिका निगरा प्लस ब्रेसिका ओलेरेसी तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ब्रेसिका निगरा का है बी, -बी और ब्रेसिका ओलेरेसी का है सी सी ठीक है इसको ज्वाइन करने से क्या बन गया ब्रेसिका कैरिनेटा तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा बी बी प्लस सी सी. तो क्या आंसर हो जाएगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रेसिका कैरिनेटा बीबीसी तो अब आपने देख ही लिया होगा ये ट्राइंगल कैसे बनता है और इससे कितने क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं ये ट्राइंगल से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है तो ये आपको पूरा याद हो जाएगा होना भी चाहिए तो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो याद ही नहीं होता है इसके लिए तो मैं काम करती हूँ आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कैरी मेनाटी को तो जानते ही होंगे देखा ही होगा यूट्यूब पे ठीक है तो उसकी ट्रिक से याद कर लो है ना कैरी ने जूस पिया ठीक है और जूस कौन सी कंपनी का था नॉर है ना तो नॉर से क्या हो जाएगा निगरा और रेपस ठीक है और कैरी ने जूस तो उससे क्या हो जाएगा कैरिनेटा एन से हो जाएगा नेपिस और जूस से हो जाएगा जुर्नसिया ठीक है हो गया ये पूरा चार्ट क्लियर तो आई होप आप इस चार्ट को कभी नहीं भूलोगे और इससे जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको एग्जाम में सही करके आओगे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लीफ रस्ट ऑफ वीट क्या क्या है ऑप्शन है एंडिका पक्सिनिया ग्रेमानिस और पक्सिनिया रेकॉन्डिटा तो सही आंसर है पक्सीनिया रेकॉन्डिटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पक्सीनिया ग्रामेनिसाइड येलो रस्ट ब्लैक रस्ट कि ब्राउन रस्ट तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ब्लैक रस्ट नेक्स्ट तो देख लेते हैं कि रस्ट कितने टाइप्स के होते हैं वीट में इन तीनों रस्ट में से हर साल एक रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन तो पूछते ही हैं तो आपको इन तीनों को अच्छे से याद रखना है सबसे पहला रस्ट है ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सीनिया रेकॉन्डिटा सबसे फर्स्ट आता है मतलब अर्ली इन अपीरियंस है ठीक है सेकेंड रस्ट कौन सा है येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सीनिया स्टेरेफॉर्मिस ठीक है याद कैसे करोगे स्ट्राइप और स्टेरेफॉर्मिस इसमें क्या होता है येलो कलर के फॉस्ट्यूल लीव पे डेवलप हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट रस्ट सबसे लास्ट रस्ट है ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया ग्रेमेनिसाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्लैक रस्ट होता है वो लेट आता है इसलिए क्रॉप में डैमेज कम करता है अदर रस्ट के मुकाबले इसको क्या बोलते हैं किलर डिजीज भी बोलते हैं है ना मतलब ब्लैक रस्ट को क्या बोलेंगे किलर डिजीज और जो कनाल बंटा ऑफ वीट है उसको क्या बोलते हैं कैंसर डिजीज बोलते हैं अब देख लेते हैं रस्ट से बचने के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज़ करते हैं तो रस्ट से बचने के लिए ऑक्जी कार्बोक्सिन जिसका ट्रेड नेम क्या है प्लांटावेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स मतलब एनआरसी ठीक है ऑप्शन क्या है नागपुर पुणे और नासिक तो सही आंसर है पुना दो तो तीन इंस्टीट्यूट्स के नाम ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आते हैं ठीक है तो आपको लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन के नाम याद रखने और उनकी प्लेस तो जो आई की वेबसाइट पर अवेलेबल है ठीक है तो महाराष्ट्र में तीन एन है और जो बाकी एन थी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट में कन्वर्ट हो गई है ठीक है सबसे पहले एन है एन फॉर ग्रेप्स है ना ये कहाँ पर है पुणे में राइट सेकेंड एनआरसी है एनआरसी फॉर सिट्रस ये कहाँ है नागपुर में थर्ड एनआरसी है एनआरसी फॉर पोम ग्रेनेट ये कहाँ पर है सोलापुर में नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बोलना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड कीजिए एग्री सक्सेस पॉइंट जयपुर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एग्री सक्सेस पॉइंट जयपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए